अबे कैमरा बंद। मेरे अलावा कोई भी नहीं। ये क्या चीज है? मेरा बैग अंदर है, मेरी हालत बुरी हो गई है, मेरा बैग अंदर है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ एक और लोकेशन पर जिसके बारे में मुझे बताया गया है कि यहाँ पर हम इसको रेंट पे चढ़ाते हैं तो लोग ना भाग जाते हैं, यहाँ पर बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती हैं और यहाँ पर जितनी भी सफाई कर लें वापसी गंद हो जाता है। अच्छा, ऊपर जो है ना रेंट पे दिया हुआ है इन लोगों ने और बराबर में भी रेंट पे दिया हुआ है, यानी कि काफ़ी बड़ा बना हुआ है ये और उसको अलग अलग यानी कि दो दो तीन तीन कमरे करके ना इसको रेंट पे चढ़ाया हुआ है। तो अभी ये गेट है ऊपर जाने का, ये ऊपर जाने का गेट है, लेकिन आप लोग ये देख सकते हैं ये कब्ज़ा लगा के वेल्ड कर दिया है, यानी कि यहाँ से अंदर उस साइड इस साइड पर कोई आ नहीं सकता, इन्होंने बिल्कुल फिक्स कर दिया है, यानी कि पानी वगैरह फेंकते हो गए तो यहाँ पर पानी वगैरह आता है। एक ये वॉशरूम वगैरह है। अच्छा, ऊपर क्या है? तकिया वगैरह रखा हुआ मेरे ख्याल से, तकिया लग रहा है मुझे तो। और अभी मैं दिन में आया हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह रात को आऊँगा। ये गुसलखाना है, गुसलखाना है ये। वॉशरूम है, जाले आप लोग देख सकते हैं कितने। शोर शराबा ज़्यादा है क्योंकि गंदगी कितनी है यहाँ पर, क्योंकि बराबर मेन रोड भी है और दिन का टाइम है। अब रात को आऊँगा तो इंशाल्लाह हो सकता है ट्रैफिक कम हो, ज़्यादा ट्रैफिक में मज़ा भी नहीं आता। मेरे ख्याल से यहाँ से वहाँ पर शादी वगैरह हुई है शायद। बोतल वगैरह है, इसके अंदर पानी है क्या है? अच्छा, इसके बिल्कुल सेंटर में रखी हुई बोतल, यानी कि जो ऊपर जो बना हुआ है इसके बिल्कुल सेंटर में ही बोतल। शोर शराबा बहुत ज़्यादा हो रहा है, सारी चीज़ें यहाँ से ले गए तो ये बोतल क्यों छोड़ी थी यहाँ पर? अच्छा जी, ये यानी कि खिड़की वगैरह नहीं है, खिड़की वगैरह ही यानी कि इसके दरवाज़े नहीं हैं, उन्होंने इस तरह बंद करा हुआ है। एक ये विंडो है और लाइट अगर होती भी तो यहाँ पर कोई सेवर या बल्ब वगैरह नहीं लगा हुआ। अच्छा, आवाज़ भी मेरी गूंज रही है यहाँ पर ना, और
पता नहीं क्या लटका हुआ है, कहीं सिपारे वगैरह या कोई चीज़ लग रही है, सिपारे वगैरह भी लग रहे हैं। अच्छा कहते हैं कि यहाँ पर है ना हम लोग सफाई करके जाते हैं तो यहाँ पर वापसी गंद हो जाता है, तो यानी कि थोड़ी देर में गंद हो जाता है, तो मैं करता हूँ मैं यहाँ पर सफाई करके जाता हूँ और फिर रात को आके देखता हूँ कि यहाँ पर गंद होता ही नहीं होता। ठीक है, तो मैं कैमरे को कट करता हूँ और सफाई करता हूँ मैं। ठीक है, मैं कैमरे को यहाँ पर लगा देता हूँ जब तक, और हो सकता है अगर कुछ होता है तो शायद कुछ कैप्चर हो जाए जब तक, नहीं जब तक सफाई भी कर लेता हूँ। शॉर्टकट में आप लोगों को मैं कुछ दिखाता हूँ, ठीक है, जब तक आप वेट करें। अच्छा एक बात और कि मेरे चैनल को 1 साल पूरा हो गया है। अच्छा दरवाज़ा हिला, लेकिन दरवाज़ा बंद हुआ था, लेकिन हो सकता है यहाँ से हवा आई हो तो इस वजह से भी हो सकता है, हाँ क्योंकि नॉर्मली हवा से ही हिल सकता है, मसला नहीं है ऐसा। अगर हम इसको वैसे समझें कि नहीं भाई कोई कोई इस तरह की चीज़ें हिला रही, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हवा भी आ रही है यहाँ से, इस हवा की वजह से थोड़ा ठंडा है। अच्छा मेरे चैनल को 1 साल हो गया है पूरा, और मैंने एक वीडियो भी बनाई है, उसके अंदर चैनल पे 70वीं वीडियो मैंने अपलोड करी थी, जो कि 1 साल पूरा होने के बाद मैंने बताया, उसके बारे में मैंने चैनल के बारे में सारी बातें बताई हैं उसके अंदर, तो वो भी आप लाजमी देखना। तो उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कॉमेडी की भी बताई हैं, हॉरर वीडियो की भी बताई हैं, अपनी लाइफ के बारे में भी बताई हैं, तो आप वो लोग वो लाजमी देखना। तो छोटी सी वीडियो है, जब तक मैं सफाई करता हूँ और फिर रात को आते हैं इंशाल्लाह। ऐसा काम कभी नहीं, हालत बुरी हो गई, मेरा काम थोड़ी है ये कोई, लेकिन आप लोग पूरी तरह देख सकते हैं सफाई कर दी है। ठीक है, अब अल्लाह ना करे अगर वापसी का अंदर होता है तो भैया होने दो, फिर हम थोड़ी कर देखते हैं, गंद होता है नहीं होता, वापसी इसको बंद कर देता हूँ घर को, जिस तरह छोड़ा है जिस तरह मैंने क्या कहते हैं खोला था वापसी, इसको वैसे बंद कर देता हूँ। कुंडी नहीं है वॉशरूम में।
में देखो पानी है नहीं है। इसको मैंने रन कर दिया। ओके चलते हैं। अच्छा अब रात हो गई तो मैं रात को आ गया हूँ, तो रात में बहुत ज़्यादा ही शोर है यहाँ पर, तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं म्यूज़िक क्यों डालता हूँ। जब इस तरह की बहुत सारी आवाज़ें आ रही होती ना तो फिर मुझे म्यूज़िक डालना पड़ता है बीच में। अब मैं क्योंकि वीडियो कट कर दूँगा तो आप लोग बोलेंगे भाई कट ज़्यादा लग रहे हैं वीडियो में, तो इस वजह से जो है ना मैं म्यूज़िक डाल देता हूँ ताकि वीडियो में कट भी नहीं लगे और वीडियो रेगुलर चलती रहे। तो एक अजीब सी बात हुई, जब मैं घर पहुँचा तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरी तबीयत ख़राब हुई एकदम, मुझे उल्टियाँ लग गई थी, मेरी उल्टियाँ करी मैंने, फिर कपड़े भी ख़राब हो गए थे उल्टी की वजह से, तो फिर कपड़े भी मैंने चेंज करे, तो कपड़े चेंज हो के करके आया हूँ मैं। फिर मुझे नींद आ गई, हालांकि मुझे नींद नहीं आती, जब मैं शूटिंग मुडिंग पे जाना होता मुझे नींद नहीं आती, लेकिन मुझे नींद आ गई मैं सो गया। और टॉर्च नहीं मिल रही मेरे को, मैं टॉर्च लाना भूल गया हूँ, क्योंकि मैंने मुझे अच्छी तरह याद है टॉर्च मेरे साथ रखी हुई थी और कहाँ गई टॉर्च, में ये भी पता नहीं चल रहा है। तो अभी दोबारा मैं घर पे आकर ढूंढूंगा, हो सकता है मुझे मिल जाए। अच्छा बिला के मैं समझा, मतीन भाई को मैंने बुलवाया नहीं क्योंकि बहुत छोटी जगह है, तो इसमें मैं बिस्मिल्लाह गुसल खाने में इतनी बदबू नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बदबू है। अच्छा कह रहे थे कि भाई यहाँ पर कचरा होता है, तो सहन में तो मुझे अभी तक कोई कचरा नज़र नहीं आ रहा, जैसे मैं सफाई करके गया था वैसे की वैसी सफाई है सारी, जो है ना कचरा जो है सब बाहर फेंकी गया था, तो यहाँ पर तो कोई गंद नहीं हुआ अभी तक, बाकी अल्लाह मालिक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहु अकबर। यार ये तो यार ये दिन में ये ईंट नहीं ली, दिन में ये ईंट नहीं थी। अल्लाह अकबर मेरे मौला, मेरे मौला, मेरी टॉर्च यहाँ पर, मुझे अच्छी तरह याद है मैं अपनी बैग में रखी थी यार, मैं कब से ढूंढ रहा था यहाँ पर आना था, मैं कब से ढूंढ रहा था मैं। अल्लाह
पर यार ऐसा लग रहा है जिसने सफाई नहीं करी। मैंने अपने हाथों से सफाई करी है इसी जगह की पहली बार। ये देखिए यार ला कैसी अजीब जगह है यार, मतलब कोई अच्छी चीज़ तो है ही नहीं यहाँ पर, कोई अच्छी चीज़ नहीं है क्योंकि पता नहीं मुझे ऐसा लगा जैसे कोई झांक रहा है। बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है मैं जब जिस जगह पे कोई अच्छी चीज़ें होती है ना वो सफाई पसंद करती हैं, लेकिन जिस जगह पे कोई गंदी चीज़ें होती हैं तो वो गंदगी पसंद करती हैं। शायद हो सकता है मेरी जो तबीयत ख़राब हुई वो इस वजह से हुई होगी कि मैंने यहाँ की सफाई करी थी। बहरहाल बहुत अजीब चीज़ है, दिन में तो ये थी नहीं यहाँ पर। अच्छा हो सकता है कि हवा बंद हो गई हो क्योंकि दिन में तो बहुत बुरी तरीके से हिल रहा था ये, मेरे ख्याल से प्लास्टिक लटकाया हुआ है उन्होंने तो दिन में तो बहुत हिल रहा था लेकिन अभी रात में तो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, यानी कि हवा बंद होती है। अगर अब ये दरवाज़ा अगर हिलता है तो इसका मतलब ये है कि ये खुद नहीं हिल रहा है, इसको हिलाया जा रहा है क्योंकि हवा बिल्कुल भी नहीं है। और थोड़ी देर इस पर फोकस करता हूँ, बहुत ज़्यादा शोर शराबे की आवाज़ आ रही है बाहर से। मुझे महसूस हुआ था कुछ जब ही बाहर आया हूँ। अच्छा मैं आप लोगों के एक बात मैं जहन में क्लियर कर दूँ कि भाई आप लोग यार अल्लाह अकबर अस्तग़फ़िरुल्लाह, मुझे महसूस हो रहा कि मेरे पीछे कोई आ रहा था। ये देखें मैं इस कोने पे खड़ा हो गया हूँ आके, ठीक है। और अब आप देख लें जिन लोगों को मेरे पे भरोसा है ना उन लोग वो लोगों को पता होगा कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, मैं इस घर में बिल्कुल अकेला हूँ, ठीक है मैं इस घर में बिल्कुल अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला, ठीक है। दरवाज़ा भी खुल के दिखा देता हूँ आपको मैं, ये देख लें इधर भी कोई नहीं है और इधर भी मैंने किसी को नहीं रखा हुआ। कि आप लोग बोलें कि भाई तू अकेला चले आता है तो ये तो बेवकूफ़ बना रहा है, भाई जिन लोगों को मेरे पे भरोसा है वो भरोसा करेंगे, जिन लोगों को भरोसा नहीं है भाई उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। दोबारा अंदर जा रहा हूँ, आप दोबारा देख लें मैं बिल्कुल अकेला हूँ। लेकिन ये चीज़ जो है ना मेरी समझ से बाहर है यार, ये पानी है ये क्या है ये क्यों बार बार बीच में रखा हुआ यार, अल्लाह अकबर। एक काम करता हूँ कैमरे को कट करके टॉर्च अपने सही कट करूँ, पता नहीं जल भी रही है नहीं जल रही। ऐसी लगा के देखता हूँ, चलो शुक्र है अल्लाह का टॉर्च से चल रही है, तो ये अल्लाह का शुक्र है टॉर्च जल रही है मेरी। एक चीज़ जो लोगों को मेरी बड़ी पसंद आती है अकेले बैठने की, तो इस कमरा एक ही तो कमरा है,
इस कमरे में बैठ के देखता हूँ अकेले, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और कोई ना कोई एक्टिविटी होगी, अगर वाकई में कोई यहाँ पर मौजूद है तो या तो ये दरवाज़ा बंद करके दिखाएं या फिर इस बोतल को गिरा के दिखाएं। क्या आप इस बोतल को गिरा सकते हैं? मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हुक्म नहीं दे रहा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि आप लोगों ने ये कचरा करा है कि जो मैंने सुना था वो बिल्कुल मैंने अपनी आंखों से सच देखा है, तो क्या आप इस बोतल को गिरा सकते हैं? या अगर बोतल नहीं गिरा सकते तो इस दरवाज़े को बंद कर दें, और अगर दरवाज़े को बंद नहीं कर सकते तो थोड़ा सा हिला दें जाके मैं आपकी मौजूदगी मेरे सामने ज़ाहिर हो। प्लीज़ एक छोटी सी मेहरबानी कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हुक्म नहीं दे रहा, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, छोटी सी वीडियो बनानी है उसके बाद मैं चले जाऊँगा बिना नुकसान पहुँचाए। अगर आप ये कर सकते हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। प्लीज़ मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, प्लीज़ बाहर नाते वगैरह चल रही है। अच्छा, अगर आप ये नहीं कर सकते, ये जो लटका हुआ है लाल कलर का, क्या आप इसको ज़ोरदार तरीके से हिला सकते हैं? अच्छा, अगर बंदा ये सोचे कि यार यहाँ पर कोई आया होगा तो यकीन मानो चाबी मेरे पास थी, और चाबी मेरे पास थी, दरवाज़ा मैं बंद करके गया हूँ, सारी चीज़ें मैं सेटिंग करके गया हूँ, आपके सामने मैं झाड़ू लगा के गया हूँ। मुझे दो दफ़ा महसूस हुआ कि ऊपर जो खिड़की बनी हुई है इसमें से कोई झांक रहा है, दो दफ़ा मुझे महसूस हुआ, लेकिन शायद मेरा वहम हो। अच्छा, बाहर जो है हवा चल रही है, नॉर्मली मौसम था, क्योंकि दिन में भी आपने देखा था कैसे हिल रहा था, बाहर हवा चल रही है, लेकिन यहाँ हम इतनी जल्दी, मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि दिन में तो नॉर्मल था ये, लेकिन रात में इतनी गर्मी, यहाँ पर हवा बंद हो जाना, ये थोड़ा सा अजीब सा मामला है। मैं एक काम करता हूँ कि ये तीसरी बार मुझे महसूस हुआ है, ठीक है भाई, अगर आप लोग ज़िद्दी हो तो फिर मैं भी ज़िद्दी हूँ, मैं दोबारा यहाँ की सफाई करूँगा, दोबारा सफाई करूँगा यहाँ की, मैं फिर देखता हूँ मेरे सामने गन करते ही नहीं करते ही, क्योंकि आप लोगों के अंदर हिम्मत नहीं है मेरे सामने दरवाज़ा बंद करने की या मेरे सामने बोतल गिराने की, क्योंकि मेरे को जो देखते हैं, मेरी वीडियो जो देखते हैं, वो लोग ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ मोमेंट हो जब इनको देखने में मज़ा आए, लेकिन प्लीज़ मेरी बातों को बुरा मत मानना। हो सकता है कि कहीं और से आवाज़ आई हो, कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे बोलने के टाइम पे आवाज़ आई है। मैं कैमरा लगा देता हूँ।
हो सकता है कि कहीं और से आवाज़ आई हो, कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे बोलने के टाइम पे आवाज़ आई है। मैं कैमरा लगा देता हूँ। आवाज़ें बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन ये जो आवाज़ आई है ना, ऐसा लग रहा है जैसे अंदर से आ रही है। अच्छा, मैं जो कह रहा था कि मैं कैमरा लगा के यहाँ बैठ जाता हूँ, फिर देखता हूँ क्या होता है। अब देखते हैं, थोड़ी देर वेट करता हूँ। घर भी बहुत ज़्यादा है, हो सकता है इतनी दूर से आप लोगों को मेरी शक्ल सही नज़र नहीं आ रही हो, लेकिन कमरा पूरा नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। और जिन लोगों को मेरे पे भरोसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो अगर आपके पास कोई लोकेशन है तो भाई को याद करें, व्हाट्सएप पे आप मेरे से रابطہ करें, आप जहाँ बुलाओगे मैं वहाँ पर आऊँगा। दरवाज़ा खुला है, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था, दरवाज़ा हल्का सा खुला है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं से हवा आई हो। मैं इस बोतल को दोबारा यहीं रख देता हूँ। क्या करूँ, एक काम और करता हूँ, लाइट भी बंद कर देता हूँ, फिर देखता हूँ कुछ होता है नहीं होता। उम्मीद है कि मेरी शक्ल सही नज़र आ रही होगी। अच्छा, क्योंकि अंधेरे में इनको आने में बड़ी आसानी होती है, और मेरा ही शेडो है, मैं एकदम घबरा गया था। ये किसी बच्चे की टाई वगैरह है, और मुझे क्या कहा गया था कि यहाँ पर बच्चों की आवाज़ें आती हैं, और ये बच्चे की टाई है, ये मैंने अभी नोट किया है। और ये छोटी छोटी झंडियाँ जो हैं बनी हुई हैं, ये बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे ये उनसे खेला करते हैं, क्योंकि बड़े जो होते हैं वो इतनी छोटी झंडी का इस्तेमाल नहीं करते। और 14 अगस्त जो है गए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया। टॉर्च की लाइट भी बंद कर देता हूँ। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैंने बाहर एक रोशनी देखी है, आई होप कि बाहर मेन गेट की गाड़ी की रोशनी होगी, इसलिए मैंने टॉर्च जलाई है। अगर मैं इसको गलत फहमी समझूँ कि यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यार मेरे हिसाब से ये सोच भी गलत है कि यहाँ कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो फिर ये कैसे हुआ? तो यार चलो गंद तो सही है, चलो मैं मान लिया गंद हो भी सकता है, हवा से भी आ सकता है, गंद आ सकता है, लेकिन दो चीज़ें जो है ना वो मुझे बड़ी खटक रही हैं। सबसे पहले ये बोतल यहाँ पर आ जाना, हो सकता है भाई चाबी किसी और के पास भी हो सकती है और वो यहाँ पर आगे रख के चले गया बीच में, लेकिन वो एक बेवकूफ़ी वाला काम क्यों करेगा कोई कि बीच में रख के चले जाना। और तीसरी बात ये है कि मेरी टॉर्च इधर क्या कर रही है? मैं अपने हाथों से अपने बैग में रखी हूँ, मैं अपनी चीज़ों को बड़ा संभाल के रखता हूँ। हो सकता है आपको मेरी शक्ल सही नज़र नहीं आ रही हो, तो मैं काम करता हूँ कि अब यहाँ की सफाई करता हूँ, ठीक है, सफाई करता हूँ और फिर देखता हूँ गंद होता है नहीं होता। ठीक है, लाइट जलाता हूँ मैं। अल्लाह मालिक है।
मेरा बैग अंदर है। मेरी कहाँ, मेरी हालत बुरी हो गई है, मेरा बैग अंदर है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। देखें, आपने ख़ुद को ज़ाहिर कर दिया है, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। प्लीज़ अब आप और मज़ीद मुझे नुकसान मत पहुँचाएँ, मैं सिर्फ अपना बैग लेके यहाँ से चले जाऊँगा। प्लीज़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।